नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने और NRC और NPR का लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इस विरोध में ओवैसी ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, इस बार ओवैसी ने ये बयान दिया है कि 26 जनवरी नहीं 25 जनवरी की आधी रात तिरंगा फहराएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 10 जनवरी को हैदराबाद के मीर आलम ईदगाह से लेकर शास्तिपुरम मैदान तक विरोध मार्च निकालेगी। इसके अलावा 25-26 जनवरी की रात हम चार मीनार के सामने ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे और बैठक करेंगे। हम इस दिन रात 12 बजे तिरंगा झंडा फहराएंगे और अपने गणतंत्र तथा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए शपथ लेंगे, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि 26 जनवरी के दिन सुबह 8 बजे या 9 बजे नहीं बल्कि 25 जनवरी की रात 12 बजे हम झंडा फहराएंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 25 जनवरी के दिन हैदराबाद में चार मीनार के सामने एक एहतजाजी जलसे आम होगा और चार मीनार के दामन से जलसे आम भी होगा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा को भी दावत दी जाएगी और जब 12 बजेंगे हम चार मीनार के सामने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएंगे, जनगण मन पढ़ेंगे और भारत के संविधान और भारत को बचाने के लिए हमारा एहतजाज होगा। 26 जनवरी के दिन सुबह 9 बजे नहीं, सुबह 8 बजे नहीं, 25 जनवरी की रात 26 जनवरी जब बात शुरू हो जाएगी उसी दिन आप झंडा चढ़ाएंगे और जनगण मन पढ़ेंगे और बोलेंगे कि हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है जिसको अंबेडकर ने बनाया था। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? और फिर इंशाअल्लाह ताला 10 जनवरी को मीरालम ईदगाह हैदराबाद से शास्तिपुरम के अंदर ग्राउंड तक एक रैली निकाली जाएगी, चल के जाना पड़ेगा। चल सकते या थक जाएंगे? तो फिर हम तो चलेंगे ईदगाह मीरालम से, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं शहर में नहीं करना, तुम बोले हम शहर के बाहर करते, पूछे कहाँ करते, हम बोले राजेंद्र नगर में करते। साथ ही आपको बता दें, हाल ही में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने RSS पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि RSS उनकी हत्या कराने की साजिश रच रहा है। ओवैसी ने ये बात उस दौरान कही है जब निजामाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने AIMIM के अध्यक्ष के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। धर्मपुरी अरविंद ने धमकी भरे लहजे में कहा था, मैं तुमको चेतावनी देता हूं कि मैं क्रेन से उल्टा लटकाकर तुम्हारी दाढ़ी काटूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी दाढ़ी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लगाकर उसका प्रमोशन करूंगा। बता दें ओवैसी कई बार कह चुके हैं कि सरकार नए नागरिकता कानून को लाकर मुसलमानों के साथ भेदभाव करना चाहती है। कुछ दिनों पहले निजामाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि NPR और NRC के बीच कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि NPR और NRC एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। NPR और NRC के नियम समान हैं। उन्होंने कहा कि ये नियम नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक बनाए गए हैं, जिसमें NPR और NRC का जिक्र है। अगर देश में NPR होगा तो NRC भी होगा। बहरहाल देश में नागरिकता संशोधन कानून, NRC और NPR को लेकर चल रहे बवाल के बीच मोदी सरकार ने साफ किया है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों से नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि उन्हें नागरिकता देने का कानून है। वहीं केंद्र सरकार ने ये भी साफ किया है कि NRC को लागू करने को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि NPR और NRC में कोई संबंध नहीं है। हालांकि अभी भी CAA, NRC और NPR को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
तो आपका क्या ख्याल है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बारे में कि वो 25 जनवरी की रात को झंडा फहराएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।